हेलो माय फ्रेंड्स वेलकम टू अडा ट्वेंटी फोर सेवन रेगुलेटरी बॉडी एन चैनल आई मेंटर वी एंड एम हियर वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एंड नॉट अनाउंसमेंट इट इज मोर लाइक अ प्रिपरेशन वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में तो एंड तक बने रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टड बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आर अडा ट्वेंटी फोर सेवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटीरियल दैट वी आर ऑफ एंड अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे ऐप के थ्रू कीजिए क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है यूजिंग द कोड वाई फाइव एट वन वाई फाइव एट वन इज द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और डिस्काउंट से याद आए बिकॉज ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली एंड उसी के ओकेजन पे यहाँ पे दीपावली महोत्सव ये दिवाली रोजगार वाली तो हम यहाँ पे रन कर रहे हैं डबल वैलिडिटी तो वाई फाइव एट वन इज द कोड एंड यूज इट फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट तो, तो दोस्तों की मैं बात करने वाला हूं वो है एस बी SBI CBO देखो एक मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन रहता है सीनियर बैंकर्स जो इनका मिनिमम uh, दो साल का एक्सपीरियंस रहता है तो उनके लिए ये एक जॉब बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग रहती है क्योंकि पहली चीज़ यहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं अराउंड थाउजेंड प्लस तो यहाँ पे ऑलमोस्ट गारंटीड ही रहता है कि इतनी वैकेंसीज तो आएंगी और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे बैंकर्स होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं जो पब्लिक सेक्टर के बाकी बैंक्स में वो कहीं ना कहीं एस को अपना एक एक टारगेट जरूर रखते हैं तो वो जो वैकेंसी है पहली चीज कब आएगी तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको नोटिफिकेशन अपडेट दिया भी था कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो शायद अपने को यहाँ पे दिसंबर या फिर जनवरी के अराउंड देखने को मिल सकता है ज़्यादा चांसेस दिसंबर के हैं तो दिसंबर में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है अब दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है तो एक महीने का टाइम इसके एग्जाम के बीच में होता है तो प्रिपरेशन तो देखो टाइमली करनी पड़ेगी तो इस एग्जाम के रिलेटेड जो डिफरेंट चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ वो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो कही कहीं ना कहीं चेकआउट करना चाहते हैं कि यार ये सीबीओ की एलिजिबिलिटी क्या है क्या मैं एलिजिबल हूँ तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है वो इन टर्म्स ऑफ एज है तो एज लिमिट जो है दोस्तों वो यहाँ पे ट्वेंटी वन ईयर्स एंड मैक्सिमम थर्टी ईयर तो वो एज एज पर द नोटिफिकेशन जो कट ऑफ डेट होती है जो इस बार आप मान सकते हैं कि शायद दिसंबर की डेट रहे तो दिसंबर तक अगर आप 30 इयर्स क्रॉस कर जाते हैं तो मे बी यू विल नॉट बी एलिजिबल बाकी तो नोटिफिकेशन देख के ही पता लगेगा एंड मिनिमम एज 21 इयर्स यहाँ पे होनी चाहिए ठीक है सो ये आपकी एज लिमिट लिमिटेड 21 से 30 इयर्स उसके बाद अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें देखो क्वालिफिकेशन के यहाँ पे सिंपल आपका ग्रेजुएट मांगा गया है उसके अलावा यहां पे वर्क एक्सपीरियंस जरूर मांगा गया है कि अगर आप एक मिनिमम uh, दो साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है मिनिमम टू ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन दिस डेट ये तो डेट जो नोटिफिकेशन की रहेगी एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

एक्सपीरियंस एट स्केल वन लेवल लेवल और इन एनी ऑफ़ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक तो इन दोनों में आप चाहे वो पब्लिक है प्राइवेट है आप अगर दो साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी को टारगेट कर सकते हैं तो ये थी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई डाउट रह जाता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं नेक्स्ट आते हैं एग्जाम पैटर्न पे तो यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों दो साल का एक्सपीरियंस हो आपके जो, uh, वगेरा, डिग्री वगेरा आपने जो मैं मैचअप है, है तो वो एक छोटी सी स्क्रीनिंग होती है एक्सपीरियंस जरूर वहाँ पे चेक किया जाता है एक्सपीरियंस पूरे दो साल का होना चाहिए और उसके पास उसके आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट भी आपके पास होने चाहिए कि आपका दो साल का एक्सपीरियंस मिनिमम है यहाँ पे ठीक है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है और उसके बाद इंटरव्यू है तो फर्स्ट इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो उसके बारे में बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होता है देखो दोस्तों दो घंटे का एग्जाम होता है और 120 सौ बीस यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं ठीक है और हर क्वेश्चन एक मार्क का होता है इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो आ, टेस्ट होता है इसके अलावा एक मतलब जो आपका टेस्ट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है वन इज ऑब्जेक्टिव एंड अदर वन इज डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं

रिटर्न एग्जामिनेशन जो है और इंटरव्यू मिला के इनका बाद में 100 के स्केल पे एडजस्टमेंट किया जाता है एंड फाइनल कट ऑफ आती है आपकी 100 में से ठीक है सो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव एक फुल टेस्ट होगा वो आपको क्वालिफाई करना है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होता लेकिन हाँ देखिए जैसे आप समझ रहे हो कि एस बी आई पीओ तो उस लेवल की डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं होती क्योंकि इस तरह का जो कॉम्पिटिशन है यहाँ पे रिलैक्स हो जाता है क्योंकि दो साल का एक्सपीरियंस बार लग जाता है तो इस वैकेंसी को आपको कहीं ना कहीं टारगेट जरूर करना चाहिए पे स्केल वगैरह बहुत अच्छा है कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छी है तो अगर आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया एग्जाम पैटर्न दोबारा से रिपीट कर देता हूँ एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है फिर आपका एक डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग होती है बेसिकली सिंपली बोलो तो इंटरव्यू से पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है कि नहीं वो होगा एंड देन आपका इंटरव्यू का जो फाइनल सेलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन प्लस नॉट रिटर्न ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होगा ठीक है और जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो दो पार्ट में है ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव में एक लेटर और इससे आता है और ऑब्जेक्टिव में चार सेक्शन होते हैं इंग्लिश बैंकिंग नॉलेज जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर एप्टीट्यूड 120 मिनट का टेस्ट 120 मिनट सॉरी 120 क्वेश्चंस ठीक है सो दिस इज अबाउट दी एग्जाम पैटर्न दोस्तों अब हम आगे चलते हैं इस के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो देखो ये जो एग्जामिनेशन है दोस्तों रियली सॉरी फॉर दिस लाइट हां ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के लिए uh, माफी चाहते हैं कट so, ऑफ के बारे में बात करें दोस्तों कट तो ऑफ जो है यहाँ पे सर्किल बेस्ड होती Actually, न, officer, तो है एक्चुअली जो वैकेंसीज आती है ना क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सर्किल तो हर सर्किल की अपनी अलग कट ऑफ होती है दोस्तों और यहाँ पे जो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ जैसे अगर यहाँ पे यह जो हमारा कट ऑफ है ये एक पर्टिकुलर सर्किल का है तो मैं आपको एक जस्ट आइडिया देना चाहता हूँ तो इस सर्किल में जो कट ऑफ गई है वो 120 में से 70 मार्क्स थी इंटरव्यू में आपको मिनिमम 20 मार्क्स तो लाने होते हैं अगर 20 से कम आए तो आप डिस्कालीफाई हो जाएंगे तो 20 से ज्यादा लाने होते हैं और इस सर्किल की जो ओवरऑल कट ऑफ गई थी मैंने स्केल टू तो वो थी तो इसी तरह से अगर मैं देखू सौ में से फिफ्टी बहुत बड़ी कट ऑफ नहीं है दोस्तों कुछ सर्किल्स में ये कट ऑफ अराउंड 49 भी गई है और कुछ सर्किल्स में ये कट ऑफ अराउंड 60 भी गई है 60 से ऊपर नहीं गई है व्हेन वी राउंडेड इट टू द स्केल ऑफ हंड्रेड तो इसी तरह से ये जो कट ऑफ थी दोस्तों ये 70 भी गई है किसी सर्किल में किसी सर्किल में 65 भी बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन ऑफ की टू बी ऑनेस्ट अगर आप एक थोड़े से भी सिंसियर कैंडिडेट हो ना तो ये जॉब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाती ये जो ओवरऑल कट ऑफ थी ये कोलकाता की आई थिंक फोर्टी थी सर्किल की तो बहुत कम तक कट ऑफ चली जाती है दोस्तों क्योंकि आपके सर्किल में डिपेंड करता है कितने कितने एलिजिबल कैंडिडेट्स 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 हैं हैं और और ने अप्लाई किया है बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस वो कहीं कहीं ना कही एक मतलब जो फ्रेशर उन्हें तो डीवारी कर देता है तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें इंडिया के सबसे बड़े बैंक के लिए काम करना है तो हमें आज से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि नोटिफिकेशन जब आएगा उसके बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और

ऐसी अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं आती अगर आप अपने जॉब को आप अपने करंट बैंकिंग जॉब से डिससेटिस्फाइड हैं तो यू मस्ट आई फॉर दिस जॉब यहाँ पे आप अपने पर्टिकुलर सर्किल में आपको सपोज कोलकाता सर्किल है आपका यू वांट टू गो शिफ्ट टू दिल्ली सर्किल आप कहीं साउथ में पोस्टेड हैं नॉर्थ के कैंडिडेट हैं एंड इफ़ यू वांट टू शिफ्ट टू नॉर्थ तो अपने सर्किल के लिए अप्लाई करिए सेलेक्ट होइए और अपने सर्किल में काम कीजिए सो गाइस दैट इज ऑल रिलेटेड टू एस बी एस सी बी ओ एग्जाम पैटर्न एलिजिबिलिटी एंड कट ऑफ बाकी और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है डू मैसेज मी एंड आई विल बी दे टू आंसर ऑल योर क्वेरीज सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो पसंद आया तो डू गिव मी लाइक डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी और नॉट सो गाइज फॉर नाउ आई एम यूर वेट द वीर साइनिंग आउट